शिट, ये गाड़ी को क्या हो गया? Damn it. समझ ही नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं? माय गॉड, क्या तो सिग्नल भी नहीं आ रहे। किस इलाके में हूं मैं? क्या बस करो रोमी, बस करो। और कितना रोगे, तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। ये गम तो ऐसा है कि भुलाए नहीं भूलेगा, लेकिन रूमी अगर तुम इस तरह रोगी तो बाबा की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी पता है तुमको? अस्कर, अस्कर रूमी, देख वरना तुम तो बाबा की बहादुर बेटी हो ना, है ना? बहादुर बेटी हो ना? मैं बहादुर नहीं, मैं बहादुर नहीं हूं। मम्मी ठीक कहती है, पापा की मौत की जिम्मेदार मैं, मेरी वजह से बाबा इस दुनिया से चले, मेरी वजह से बाबा इस दुनिया से चले गए। बाबा की मौत के जिम्मेदार मैं हूँ भाई, मैं हूँ। उनको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नहीं, 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 बाबा छोड़ के चले गए, मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मम्मी ठीक कहती है भाई, मम्मी ठीक कहती है। बाबा मेरी वजह से चले गए, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बाबा मेरी वजह से चले गए भाई, मेरी वजह से चले गए। देख मना, थोड़ा सा पानी निकालो, पैसे भी निकालो और पर्स भी निकाल, मोबाइल भी निकाल जल्दी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे पास कुछ नहीं है।
बच्चों को खाना खिलाकर उनके कमरे में सुला दिया है, अब मैं भी चलती हूँ। अम्मी, ये जो कुछ भी हुआ ना बहुत गलत हुआ है। आपको मीडिया के सामने रूमी के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। सब जानते हैं कि वो बच्ची रूमी की नहीं है, फिर आपने मीडिया पर इस तरह के अल्फाज रूमी के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किए? अरे मुझे क्या पता था मीडिया वाले ये खबर टीवी पर चला देंगे। रहमान भाई भी बहुत कमजोर दिल के निकले, इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सके। आप जानती हैं मैं पिछले कुछ दिनों से क्यों इतनी परेशान थी? मैं क्यों रूमी के किसी भी मसले में नहीं बोल रही थी? क्योंकि नायला आंटी ने मुझे धमकी दी थी। और अब आपकी इस गलती की वजह से रहमान अंकल की जान ही चली गई। अब अगर उन्होंने मुझे तलाक देकर यहाँ से रवाना कर दिया ना, तो मैं आपको बता देती हूँ ये सब गलती आपकी होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी। मैं कहता हूँ जल्दी निकालो वरना मैं गोली मार दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको अपना बैग दे देती हूँ, लेकिन मैं अपना मोबाइल नहीं दूंगी। जल्दी निकाल मेरे पास टाइम नहीं वरना गोली मार दूंगा। कोई आ रहा है, निकल निकल। अर्जुन ये लो। आंटी आपके लिए खाना लाऊं? नहीं सुंदस, मुझे भूख नहीं है और मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। नायला मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मीडिया वाले घर आ गए थे, बहुत परेशान हो गए थे हम, बस गुस्से में मेरे मुंह से वो उल्फूल निकल गया। मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ेगी। रहमान भाई बहुत जल्दी चले गए, खुदा उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। मेरे मुंह से तो उनके लिए दुआएं निकलती हैं। सुंदर अपनी माँ से कहो यहाँ से चली जाए। और दोबारा कभी इस घर में कदम ना रखे। आप चली जाइए इस घर से। चाहिए ना? यहाँ क्या करी? अंजू मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अंजू मुझे बहुत डर लगता है। चलो अंजू। हम काम डाउन में आ गए हो वहाँ काम। बट तुम इतनी रात को यहाँ अकेले कर क्या रही हो? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी अंजू। अच्छा वेट, रिलैक्स, लेट मी टेक यू होम। आओ मैं तुम्हें बाइक पे घर छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं मैं तुम्हारे साथ बाइक पे नहीं जाऊंगी। पर महा हमारी गाड़ी खराब है, लेट मी ड्रॉप यू होम। नहीं मुझे तुम्हारे साथ बाइक पे नहीं बैठना। फाइन यही रहो फिर। अंजुम अंजुम तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। बड़ी क्लास से छोटी क्लास में आने में वक्त तो लगता है। एक सेकंड रुको, मैं आ रही हूँ। अंजुम मुझे बाइक पे बैठना नहीं आता। मां बैठो।
जो नहीं बैठा जा रहा मुझसे। मैं कैसे बैठो, पकड़ लो मुझे। अंजुम, मेरा घर तो वहां सामने है, तुमने मुझे यहीं ड्रॉप कर दिया। जानता हूँ, यहाँ उतारने के लिए माजरत। मैंने सोचा कि आपके रुतबे और क्लास में कोई कमी ना आ जाए, इसलिए यहीं उतार दिया। वैसे चोट इतनी गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी कल डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिएगा। अब आप प्लीज़ अंदर जाएं, जब तक आप अंदर नहीं जाएंगी मैं यहीं कर रहा हूँ। टेक केयर। Thank you. ऐसे क्या देख रही हो? ट्रेनिंग पे नहीं जाना क्या? पापा? और वो मेरी गुड़िया हानिया अभी तक सो रही है क्या? अरे ऐसे क्यों खड़ी हो? जाओ अपनी माँ को कहो गरम गरम चाय पिलाए मुझे। जी पापा। बाबा, बाबा आप कहाँ चले गए? वापस आ जाए, वापस आ जाए बाबा। इसने तो रो रो कर कान बजा दिए हैं। जोया, ओ जोया उठ जा, दिन के 11 बज रहे हैं। मनोज उठ। या अल्लाह, पूरा घर इसने रो रो कर सर पर उठा लिया है। उठ जोया, संभाल इसे। उठ उठ। क्या है यार अम्मी, सोने भी नहीं देती। जा जल्दी संभाल इसे, देख कैसे रो रही है। चुप हो जाओ, मैं बता रही हूँ, जल्द से जल्द इसे जान छुड़ाओ तो बेहतर। बता रही हूँ मैं, तुम्हारी गोद में से देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद तो महारानी बाप का शोक मनाने चली गई, इस अजाब को हमारे सर पर छोड़ दे। ये सदमा बहुत बड़ा है अम्मी, कभी भुला नहीं सकेंगे। अम्मी, बाबा बहुत जल्दी नहीं चलेगा। काश कुछ और गुजार लेते हो हमारे साथ।
वक्त ही तो नहीं गुजार सके उनके साथ। बस बुलावा आया और चले गए वो। उनके बाद पता नहीं अब हम सब का क्या बनेगा। अभी हौसला रखिए, संभालिए खुद को। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो हमें तो कयामत टूट पड़ेगी। कयामत तो आके चली गई बेटा, और सब कुछ रोंद के चली गई। काश मैं रूमी को शगुफ्ता के घर ना ब्याहती, आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। बेटी की मोहब्बत ने जान ही ले ली रहमान की। ये सब शगुफ्ता आंटी की वजह से हुआ है। अच्छा हुआ आपने जो कल उन्हें घर से निकाल दिया। जी तो चाहता है कि मैं सुंदस को भी रवाना कर दूं। नहीं बेटा, नहीं, तुम गम में गुस्से में अपना घर बर्बाद ना करो। बस सुंदस को इतना बता दो कि अब वो खुद भी कदम ना रखे अपने महके में। ठीक है अभी, जैसे आप कहे। आप बेफिक्र रहे, सुंदस अब उस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी। या अल्लाह, या अल्लाह। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा, बस सर भारी हो रहा है, ठीक हो जाएगा। असद इससे कहो यहां से चली जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अम्मी, इसे देख के मेरे सारे जख्म ताजा हो जाते हैं, इसे कहो यहां से चली जाए। रूमी तुम प्लीज अभी यहां से चली जाओ, फिलहाल अम्मी को अकेला छोड़ दो प्लीज। अम्मी आपने जो सजा देनी है मुझे दे, लेकिन रिस्क से तुम मुंह ना मोड़े। तुमसे जुड़ी हुई हर चीज से नफरत है मुझे। असद इससे कहो यहां से चली जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। दूर हो जाए मेरी नजरों से। अम्मी प्लीज, रोमी तुम जाओ यहां से, तुम देख रही हो अम्मी की हालत, प्लीज चली जाओ। क्या नायला आंटी ने आपको घर से निकाला? कब? इसे कहते चराग तले अंधेरा। जब तुम लोग बाहर लोगों को खाना खिलाने गए थे ना, और मैं नायला से ताजियत करने गई थी। पूछ लेना सुंदर से। अरे तुम्हारी सास तो ऐसी बददुआएं दे रही थी जैसे मैंने रहमान का दिल दबाकर उसे हार्ट अटैक दिया हो। और तो और उसने साफ कह दिया कि दोबारा उसके घर में कदम ना रखूं। अम्मी आपको कल बताना चाहिए था ना मुझे। अरे दफा करो उसको, मैं चाहती तो अपनी सारी पिछली बेइज्जतियों का बदला ले लेती, मगर नई नई बेवा बनी है इसीलिए तरस आ गया। तुम जिसके नाम की माला जपते नहीं थकते ना, उस घर में मेरी ये इज्जत रह गई है, देख लो। गलती वैसे अम्मी आपकी भी है, अगर आप अपने गुस्से पे काबू रखती और मीडिया के सामने औलफल ना कहती तो शायद आज ये ना होता। अरे वाह 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 वाह, बजाय माँ की साइड लेने की ससुराल की साइड ली जा रही है। अरे उस करमजली को कोई कुछ नहीं कहता जो बजाय तुम्हारी औलाद संभालने के लावारिस बच्ची को पाल रही है। मैं तो कहती हूं कि मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, बस। अम्मी अभी शादी को 2 माह हुए, हो जाएगी औलाद। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुम्हारी औलाद चाहिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं लावारिस बच्चों को पालती फिरूं।
क्या समझ रखा है मुझे? खुद तो हानिया को हमारे मथे डालकर चली गई है बेगम साहिबा। सोया की गोद में बच्ची को देखती हूँ तो मुझे होल उठते होल। कुछ सोचा है इस बारे में? मैं तो कहती हूँ इससे सुनहरी मौका और आने वाला नहीं। रूमी गई है ना तो एक दो हफ्ते से पहले वापस नहीं आएगी। उठाओ बच्ची को और दे आओ। सोचने का मौका नहीं, बात मान लो मेरी। वॉचमैन, वॉचमैन। जी बाजी। इसे यहाँ कौन लेके आया? ये बाजी कोई अंजुम साहब ले गए हैं और ये चाबियां ले गए। कितने बजे आया था? सुबह 4 बजे आए थे और कह गए थे ये गाड़ी रिपेयर हो गई है। ठीक है तुम जाओ। भाई ने आपकी एक बात भी मानी ना तो मेरे नजरिए में भाई से बड़ा बेवकूफ इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। ज़बान संभाल कर जरा, बड़ा भाई हूं तुम्हारा मैं। इंसान बड़ा रिश्ते नातों से नहीं अपने फैसलों से माना जाता है। मुझे मत सिखाओ। और तुमने कौन सा तीर मार लिया है? मेरा बाप बनने की कोशिश ना करो। तो ये तुम दोनों सुबह सुबह क्यों लड़ने झगड़ने लगे हो? और अंजुम ये क्या तरीका है बात करने का? होश में आओ। होश में तो आपको आना चाहिए अम्मी। अरे अगर आप अब भी नहीं समझेंगी तो कब समझेंगी? क्या भाभी की नफरत में जो कुछ भी कर रही हैं वो गलती नहीं अब गुनाह बनता जा रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना अम्मी, इंसान जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। मुझे इंसानियत के पाठ न पढ़ाओ, ये घर के मामले आते हैं और तुम्हें इनकी समझ नहीं। अभी जब तुम्हारी शादी होगी ना तो फिर घरदारी और रिश्तेदारी के मामला पूछूंगी तुमसे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रहमान अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे और अगर इस घर में भाभी को कोई भी आ चाहिए ना तो मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। अरे जाओ जाओ रूमी और हानिया के तरफदार। इसकी जबान ज्यादा नहीं चलने शुरू हो गई है? बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं रहा है। क्या समझता अपने आप को? ज्यादा कमाना शुरू हो गया तो हमारे मुंह को आएगा। ये रूमी नाम की दाल गलने वाली नहीं है, लगता है पैंतरा बदलना। अम्मी नया फोन दे, मैं भाभी को फोन करके पूछ लूं कि वो हानिया को कब बुला रही है अपने पास। ज्यादा बैलेंस न जाया करना। अच्छा तो मुसीबत हो गई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हेलो भाभी, मैं जोया। हाँ जोया, कैसी हो? हानिया तो नहीं तंग कर रही ना तुम्हें? हाँ थोड़ा सा, आपके जाने के बाद मुसलसल रो रही है और कुछ खा भी नहीं रही। अभी कुछ देर पहले ही सोई है बड़ी मुश्किलों से। I'm sorry जोया, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। बाबा की हालत का सुना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वरना मैं कभी भी हानिया को तुम्हारे पास छोड़ के नहीं जाती। आई नो भाभी। और वैसे भी अब हालात ऐसे नहीं है कि मैं घर वापस आ जाऊं। मैं कामिल से कहूंगी कि हानिया को मेरे पास ले आए, तुम परेशान मत होना। ओके भाभी, मुझे भी आपसे सॉरी करना था। अगर मैं वो वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करने की नादानी ना करती तो शायद आज हालात कुछ अलग ही होते। I'm so sorry। खुद को कसूरवार मत ठहराओ। ये तो मेरी बदकिस्मती है, हर गलती जुर्म की तरह आयद हो जाती है मुझ पे। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात होगी। अल्लाह हाफिज़ भाभी। ओ हानिया तुम फिर रोने स्टार्ट हो गई हो। अच्छा अच्छा बस चुप, नहीं रो। ऐसे नहीं चुप होगी, भूखी है, दलिया खिलाओ से, फिर देखो कैसे चुप होती है। क्या हुआ?
ऐसे दीदे फाड़ कर क्यों देख रही हो? चार बच्चे पाल पोस कर बड़े किए, तजुर्बा है। बच्चे की तकलीफ देख कर इसका रोना जान जाती है। अम्मी आज हानिया के ऊपर इतना प्यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या मेरे सीने में माँ का दिल नहीं है क्या? मैं नहीं खिला सकती इसे। गुड़िया गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी, देखो चुको। ओए 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 गुड़िया, भूख लगी थी ना आपको? आपको भूख लगी थी ना जानी? देखो भूख लगी थी ना? इतनी भी कठोर नहीं जितना तुम लोग सब समझते हो। जो हुआ गलती मेरी थी, मुझे बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। लेकिन जो कुछ हुआ उसे लुटा तो नहीं सकते ना। ला मैं खिलाऊं। ओए जॉनी जॉनी जॉनी। अम्मी अब आप सब कुछ ठीक करना ही चाह रही हैं तो भाई को कह के मुझे नया फोन भी दिला दें प्लीज। तुम्हारी इम्तिहान खत्म हो जाए फिर चुप हो जाओ। बस 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 बस। बिजी तो नहीं? नहीं। कुछ खाया? भूख नहीं लग रही है मुझे। आंटी की तबीयत कैसी है? जाहिर है उनका जख्म इतना बड़ा है, भरते भरते वक्त तो लगेगा। रूमी मैं जानता हूँ अंकल का दुख भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन मरने वाले के पीछे सारी जिंदगी दुखी तो नहीं रहा जा सकता ना यार। जो जिसके जितना करीब हो उसके दूर जाने का उतना ही दुख होता है कामिल। रूमी सबर करो और अंकल की मगफरत के लिए दुआ करो। कहती है तो आज लेने आ जाता हूँ। हानिया अकेली है और जोया ज्यादा दिन संभाल नहीं पाएगी उसे। कल बाबा का सोया मैं, आप हानिया को थोड़ी देर के लिए मेरे पास ले आएंगे? और तुम? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। हेलो माहम। हेलो। इन डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए। यार रख दो, मैं सिग्नेचर करवा के भिजवा दूंगी। अंजू कल मेरी कार रिपेयर करवाने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी लेट नाइट? अगर गाड़ी मैं उस एरिया में छोड़ देता तो सुबह तक वो गायब हो जाती, बट आई होप वो अब तक ठीक हो गई हो। इट्स ओके। बाय द वे थैंक्स मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। मुझे नईम साहब ने बताया कि तुम्हें जैसे ही सिचुएशन का पता चला तो तुम फौरन ऑफिस से निकले थे। अगर तुम ना आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना उनके साथ अच्छा ही होता है। मैंने तुम्हें गलत इंसान समझा, I'm sorry. It's okay. लेकिन जब आप उस मीटिंग में इनवाइटेड नहीं थी तो फिर आप गई क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को मेरी पोजीशन से प्रॉब्लम है। वो सिर्फ रोहान को सीट पर देखना चाहते हैं, मुझे नहीं। और खुद को साबित करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। हाँ जी इतना तो मैं जान ही गया हूँ। चलें अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ। थैंक्स। कम ऑन मॉम, अगर अब एक और दफा भी थैंक्स कहा ना तो मैं आपको मोबाइल छीन लूंगा। मेरे लिए मेरा फोन इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें अगर कीमती कोई चीज है तो मेरी शादी की पिक्चर्स। एनीहाउ फ्रेंड्स फ्रेंड्स। कामिल आप अकेले क्यों आ गए? हानिया को साथ क्यों नहीं लेकर आए? खामोश क्यों है? कहाँ है हानिया? मैं तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि जितने दिन तुम यहाँ रहोगी रोती रहोगी इस तरह तुम्हारा दुख कम होने की बजाय बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपनी जिद छोड़ो, मेरे साथ चलो। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहाँ मेरे बाप की मौत के जिम्मेदार मौजूद हूँ। मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ किया है गुस्से में बहुत गलत किया, लेकिन अब तो मैं नायल आंटी से माफी भी मांग चुकी हूँ। और वैसे भी मौत को तो बहाना चाहिए होता है, इसलिए अपना दिल बड़ा करो, मेरे साथ चलो, माफ कर दो मुझे। हरगिज नहीं, आपने हमेशा मुझसे माफी की तवक्को रखी। कितनी बार माफ करूंगा कब तक? मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी, मना किया था मैंने आपको।
आपकी अम्मी के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मुझे मजबूर मत करें। तुम गुस्से में आके गलत फैसला कर रही हो रोनू। तुमने ये नहीं सोचा मेरा क्या होगा, हमारी खुशियों का क्या होगा। मैं तुम्हें साथ लेने आया और लेके जाऊंगा, चलो भाई साहब। मना किया था ना मैंने, फिर क्यों आए लेने के लिए? इसे मैंने बुलाया। इसलिए कि अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा, तुम्हें बहुत पहले इस घर से रुखसत किया जा चुका है। मम्मी, आप ये क्यों कह रही हैं? मेरे सर का ताज छीन कर तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ये क्यों कह रही? तुम्हारी खुशियों की आस लगाए लगाए तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए, लेकिन तुम्हें अपनी जिद और अपनी मनमानी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने हर गलत फैसले में तुम्हारा साथ दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारी खुशियां अजीज थी। तुमने उनकी जान ली, रूमी, तुमने उनकी जान ले ली। कामिल, इसे यहां से ले जाऊंगा, ये जितनी जल्दी इस घर से चली जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि एक बाप तो सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में रख सकता। हमें ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम्हारे बाबा को बहुत पहले कह देना चाहिए था। और अब अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अभी अम्मी, आज के बाद रूमी पर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। रूमी, रूमी तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं अम्मी को समझाता हूं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। शायद अम्मी ठीक है। सबकी भलाई इसलिए कि मैं हमेशा हमेशा के यहां से चल। नहीं रूमी, रूमी मेरी बात आई। इस वक्त हमें यहां से चलना चाहिए। आज रो रही तो और क्या करूं? गुफ्ता आंटी ने बगैर सोचे समझे फैसला सुना दिया कि ना मैं अपनी माँ के घर जा सकती हूँ और ना मेरी माँ इस घर में आ सकती है। आखिर इस समय मेरा क्या कसूर है सर? सिर्फ तुम ही नहीं, सारा जमाना अच्छी तरह से जानता है कि शगुफ्ता आंटी के टीवी पे बयाना देखकर ही बाबा को हार्ट अटैक आया था। क्यों क्यों इसमें रोमैसा का कसूर नहीं है क्या? ना रोमैसा वो बच्ची उठाकर घर लाती,
ना बात यहाँ तक पहुँचती, ना अम्मी को इस तरह के बयान देने पड़ते, ना ये सब कुछ होता, ना बाबा को हार्ट अटैक होता। कसूर तो इसमें रुमैसा कैसा रहा, उसको क्यों नहीं कुछ कहते आप लोग? सही कह रही हो तुम, सारा कसूर रुमैसा का है और उसे इसकी सजा मिल चुकी है। अब एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, ना तुम वहां जाओगी ना तुम्हारी मां यहां आएगी, बस समझ गई तुम? चुप हो जाओ, रो रो के हालत खराब कर दिया तुमने अपनी। इस तरह रोती रहोगी तो बीमार हो जाओ, हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ भुला के नई जिंदगी का आगाज करेंगे। गाड़ी रोके क्या? मैंने कहा गाड़ी रोके।